तो स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फाइव है अबाउट अ अबाउटिना कॉल्ड क्या होता है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट इज इज व्हाट एन का मतलब क्या है मैंने इसके आंसर में लिखा द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड साउंड की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं एको आपने बिल्कुल इसी तरह टू द पॉइंट आंसर लिखना है मैं एक दफा आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है जब भी साउंड जो है वो ट्रेवल करती है इट ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स ये वेव्स जो है साउंड की अगर ये किसी हार्ड सरफेस से टकरा के वापस आ जाए तो हम इसको कहेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इस फिन का नाम है echo. हमारा जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो इसी फिनोमिना के इर्द गिर्द राउंड करता है इसी के ऊपर मुश्तमिल है तो आइए देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है सम फिशमैन यूज एक्ो टू लुकेट शोल्स ऑफ फिश बीनीथ बोट्स यूज अ डायग्राम टू एक्सप्लेन आपका क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है उन्होंने कहा है कि हमने डायग्राम की सूरत में इसको डिस्क्राइब करना है और मैंने आपके सामने वो डायग्राम भी बना दी जो कि आपने इसके आंसर में बनानी है इन्होंने पूछा है कि कुछ फिशरमैन मतलब मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं एकोको मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को इस्तेमाल करते हैं टू लोकेट शोल्स ऑफ फिश जहां भी फिश का हजूम हो मतलब इकट्ठे ज्यादा तादाद में मछलियां मौजूद हो वैसी जगह को लुकेट करने के लिए वो साउंड की रिफ्लेक्शन का फिनमिना यूज करते हैं अब ये कैसे मुमकिन है और किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फिश के हजूम को डायरेक्ट करने या फिर उनको ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे आपने देखा कि ये एक बोट है बोट के अंदर मैंने एक डिवाइस लगाई है विच इज कॉल्ड द ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर जो है वो साउंड वेव जो है वो बनाता है मतलब साउंड इसने प्रोड्यूस की और जिस तरह आपको नजर आ रहा है यहाँ ये वेव ट्रेवल करके जाती है टूवर्ड्स द सी बेड सी बेड जो के बिल्कुल हमारे सीट की आखिरी जमीन होती है वहां से जाके ये साउंड वेव्स टकराती हैं और टकरा के रिफ्लेक्ट करती हैं मतलब वापस आती हैं आपने देखा ये है द रिफ्लेक्टेड साउंड अब जब रिफ्लेक्टेड साउंड ऊपर आएगी तो आपको ये भी पता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ये होती है थ्रू अ हार्ड सरफेस ये सिर्फ पानी से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती तो अगर मछलियां एक जगह पे मौजूद होती हैं तो ये जो साउंड वेव्स हैं ये उनसे टकरा के वापस ऊपर आएंगी और जब वो देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हो रही है तो उनको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे और कहाँ पे ये मछलियां मौजूद हैं वो बहुत आराम से उनको टारगेट करके पकड़ लेंगे तो मैंने ये पूरी डायग्राम आप लोगों के समझने के लिए बनाई है और मुझे उम्मीद है कि आप यहां से देख के आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करते जाएगा नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज अमाउंटेनियस शाउट फॉर हेल्प मतलब जो पहाड़ को हाइक करते हैं ऐसे लोग जो है उनको हम कहते हैं माउंटेनियर यहाँ पे एक लड़की है जो कि क्लाइंब कर रही थी शी शाउटेड फॉर हेल्प उसने मदद मांगने के लिए आवाज दी हाफ अ सेकेंड लेटर आधे सेकेंड बाद मतलब वन सेकेंड का हाफ होगा जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड बाद She hears an echo. उसको अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाके में है और उसने एक पहाड़ के ऊपर खड़े होके शाउट किया है तो दूसरे पहाड़ से उसकी ये आवाज टकरा के उसके कानों में वापस पड़ेगी और ये जो आवाज वापस आएगी वो आ रही है आफ्टर जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड मतलब आधे सेकेंड बाद ही उसने वापिस अपनी आवाज सुन ली हाउ फार इज द रॉक दैट इज रिफ्लेक्टिंग हर वॉइस अब ये जो आवाज है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई है ये जिस पत्थर से टकराई है हमने ये बताना है कि वो पत्थर उस लड़की से कितना दूर है वो कह रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने हमें बता दी कि 330 मीटर पर सेकेंड है तो हमारे पास अब स्पीड मौजूद है और हमारे पास टाइम मौजूद है हमने बताना है कि वो रॉक किस डिस्टेंस पे मौजूद है जहां से इसकी आवाज टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है तो यहाँ मैंने लिखा यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आपने जब ये चैप्टर पढ़ा तो आपने ये फॉर्मूला डिस्कस किया ये जो फॉर्मूला है ये है फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड अब स्पीड तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे मौजूद है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है और जो टाइम है वो भी हमारे पास गिवन है तो जो चीज हमने कैलकुलेट करनी होती है उसको हम अलग रख लेते हैं और जो चीज यहां डिवाइड हो रही है इसको हम यहाँ ले आते हैं ये आप फिनोमेना याद रखिएगा कि जब भी इज इक्वल टू के दूसरी तरफ कोई चीज डिवाइड हो रही हो और हमने उसको इक्वल टू की पहली तरफ लाना हो तो वो होगी यहाँ आके मल्टीप्लाई इसका मतलब अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हमारा फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्योंकि टाइम चला गया इधर अब हमारे लिए बहुत आसान है कैलकुलेट करना आप अपने अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए और मैं आपको स्टेप्स बताती जाती हूं अब डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है स्पीड हमारे पास गिवन है विच इज थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड तो थ्री थर्टी को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से टाइम था हमारा आधा सेकेंड जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड तो अपने अपने कैलकुलेटर्स पर थ्री थर्टी को मल्टीप्लाई कीजिए से तो आपके पास आंसर आया वन सिक्सटी फाइव इसका मतलब कि वन सिक्सटी फाइव हुआ हमारा डिस्टेंस अब डिस्टेंस जो है वो ये हमें टोटल डिस्टेंस बता रहा है विच इज अगर ये रॉक है और उसने यहां से आवाज जेनरेट की है आवाज के जाने और टकरा के वापस आने का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 165 मीटर्स मीटर अब इसका मतलब ये है कि ये तो हमें डबल डिस्टेंस बता रहा है हमने सिर्फ ये बताना है कि ये रॉक इस बंदी से कितनी दूर है इसका मतलब कि हम इसका आधा डिस्टेंस लेंगे और आप इसको डिवाइड कर देंगे बाय टू तो 165 को डिवाइड कीजिए बाय टू आपके पास आंसर आया 82.5। इसका मतलब कि जब माउंटेनियर ने शाउट किया तो जिस रॉक से उसकी आवाज टकरा के रिफ्लेक्ट हुई वो उससे सिर्फ 82.5 मीटर दूर थी मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा और अगर आपके एग्जाम्स में इस तरह का मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपने अभी तक कोई आंसर नोट डाउन नहीं किया तो अब आपके पास बहुत टाइम है आप इस लेक्चर के बाद जाके तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कर लीजिएगा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज